सर 2-3 दिन रह गए ईद में, और अबू धाबी मंदिर में जो है इफ्तार करवाया गया है, बहुत अच्छा लगा देखकर। इतनी बड़ी विजडम, ये क्या है? ये मजाक है? ये कमाल, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे मीडिया में ये बता दिया जाता है हिंदू बड़ी नफरत करता है सिख बड़ी नफरत। हिंदू मंदिर ने स्पेशल रमजान का पहली दफा इवेंट होस्ट किया, जिसमें सहरी भी करवाई गई, इफ्तार भी करवाया गया, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग भी शामिल हुए। मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी ने नहीं मार रोका कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप तस्वीरें ले रहे हो, यहाँ पे आप कौन, आप जरा जाके दिखाएं मस्जिदों के अंदर। इस तरह दुबई के शेख भी वहां पर मौजूद थे। स्पेशल चीफ गेस्ट विवेक ओबेरॉय को भी बुलाया गया, मुसलमानों ने जाकर सहरी भी की, इफ्तारी भी की। हमारे वजीर आजम साहब जो है वो सऊदी अरब गए हुए हैं, और कहा जाता है कि अमूमन जब वो जाते हैं तो पैसों के लिए ही जाते हैं। पहला दौरा सऊदी अरब का हमने रखा हुआ है। दूसरी जगह अब गोल्डन टेम्पल के अंदर आपने देखा होगा, हर दूसरा जो बंदा आता है वो जाता है, जो डिग्नेटरीज आते हैं वो जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, बल्कि बता के भी जाते हैं, जितने हमारे कई मिनिस्टर वहां पे। क्या हम भी उतने ही फराख दिल हैं कि हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी लोग इस तरह जाएं, हमारे मजहबी जगहों पे जाएं? पूरे के पूरे इवेंट को होस्ट करने वाला BAPS हिंदू मंदिर था, जिसने पीस का पैगाम दिया, तमाम कम्युनिटीज के लिए मोहब्बत का पैगाम दिया कि हम मोहब्बतें बांटते हैं। सर 2-3 दिन रह गए ईद में, और अबू धाबी मंदिर में जो है इफ्तार करवाया गया है, बहुत अच्छा लगा देखकर। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि अबू धाबी जो मंदिर है आरजू, उसमें मैं खुद आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले होकर आया हूँ अबू धाबी, और इट्स वर्थ गोइंग देयर एंड सीइंग इट्स सच अ, मैं आपको पता है आर्किटेक्ट से बड़ा मेरा दिस इज आई हैव अ पैशन टू एंजॉय द आर्किटेक्ट, तो इट्स सच अ मार्वलस वर्क किया है उन्होंने, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, मेरा ख्याल है इट्स वर्थ सीइंग इट, वर्थ वॉचिंग इट, गोइंग इट। और जो सबसे बड़ी बात, मैं अगले दिन भी, बल्कि मैंने आपके दोस्त देखने वालों से मैं ये नहीं कर सका, आपसे शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मैंने वहां देखा है कि हम शाम को गए वहां, और मैं मुसलमान हूं, मुझे किसी ने नहीं मार रोका कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप तस्वीरें ले रहे हो, यहाँ पे आप कौन, आप जरा जाके दिखाएं मस्जिदों के अंदर। इस तरह कोई गैर मुस्लिम, आज कोई हिंदू या सिख पगड़ी वाला जाए तो क्या क्या लोग बातें नहीं करते। मैं तो खैर, मेरा दोस्त है यहाँ पे जो मेरे भाइयों जैसे हैं, भाई जसदीप सिंह, वो पगड़ी जाहिर है, टर्बन है उनकी, मैं उनको साथ लेके जाता हूँ, और डर्टी लुक्स लोग देते हैं उनको, हालांकि मैं समझता, और मैं गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, दूसरी मिसाल साथ, मैं 4 दफा भारत गया, चारों दफा गोल्डन टेम्पल, खैर मुझे लोग वो पता नहीं उनको क्या, चेहरे से तो नहीं पता चलता ना मैं कौन हूँ वहां पे, लेकिन ये कि मैं जिस तरीके से ये दूसरी जगह, अब गोल्डन टेम्पल के अंदर आपने देखा होगा, हर दूसरा जो बंदा आता है वो जाता है, जो डिग्नेटरीज आते हैं वो जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, बल्कि बता के भी जाते हैं, जितने हमारे कई मिनिस्टर वहां पे। क्या हम भी उतने ही फराख दिल हैं कि हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी लोग इस तरह जाएं, हमारे मजहबी जगहों पे जाएं? मैंने कई दफा कोशिश की है ये देखने की, पढ़ने की, सीखने की आरजू के मक्का जाएं तो रास्ते के अंदर एक चेक पोस्ट है जहां पे कहा जाता है गैर मुस्लिम इससे आगे नहीं जा सकते। मैंने कई दफा ये पढ़ने की कोशिश की, क्या इस्लाम के अंदर भी इसकी कोई इस्लामिक इसमें चीज है? मैं अभी तक आई हैवंट कम अक्रॉस इट कि इसमें लिखा गया हो कि मक्का के अंदर गैर मुस्लिम नहीं आ सकते, गैर बल्कि इस्लाम से पहले मक्का जो था, मक्का तो बहुत पुरानी जगह है, वहां पे अंदर मूर्तियां थी, उनकी जगह थी, सारे लोग थे। और दूसरा मैंने जो देखा है कि बार बार कुरान में ये चीजें लिखी है कि मैं रहमतुल आलमीन हूं, दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए मैं रहमत हूं, और मैं पैगंबर सिर्फ मुसलमानों का, सारी दुनिया का पैगंबर हूं, मैं मैसेंजर हूं पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हम लोगों ने मेरा ख्याल है ज़हन छोटे कर लिए हैं। मंदिर की इनॉग्रेशन हुई थी, BAPS हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हुई थी, जिसकी जानिब से खबर सामने आ रही है हिंदू मंदिर ने स्पेशल रमजान का पहली दफा इवेंट होस्ट किया, जिसमें सहरी भी करवाई गई, इफ्तार भी करवाया गया, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग भी शामिल हुए, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, तमाम लोगों ने वहां पर शिरकत की। बहुत जबरदस्त फंक्शन किया गया था रमजान के हवाले से, जिसमें सहरी और इफ्तारी दोनों की गई। दुबई के शेख भी वहां पर मौजूद थे। स्पेशल चीफ गेस्ट विवेक ओबेरॉय को भी बुलाया गया,
मुसलमानों ने जाकर सहरी भी की, इफ्तारी भी की और इस पूरे के पूरे इवेंट को होस्ट करने वाला BAPS हिंदू मंदिर था, जिसने पीस का पैगाम दिया तमाम कम्युनिटीज के लिए, मोहब्बत का पैगाम दिया कि हम मोहब्बतें बांटते हैं। अगर उन्होंने ये करवाया है इफ्तारी वगैरह तो ये हमें करना चाहिए। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं हम नॉन मुस्लिम्स की कितनी इज्जत करते हैं, कितनी प्रोटेक्शन देते हैं उनको, करते हैं रिस्पेक्ट नॉन मुस्लिम्स की, कौन नहीं करता, कैसे करते हैं ये बताएं। मतलब कि देखा जाए अगर हमारे यहाँ क्रिश्चियंस वगैरह हैं या हिंदू वगैरह हैं तो उनको एहतराम दिया जाता है। कितना एहतराम दिया जाता है, इतना एहतराम कि अभी ईस्टर आया था, ईस्टर से एक दिन पहले चर्च जला दी, इतना एहतराम। आपको आइडिया नहीं है लेकिन ये बात सच है। अच्छा मुझे ये बताएं कौन सी रिस्पेक्ट, कौन सी पॉलिसी बनी है उनके लिए या कौन सा एक जो है वो उनको राइट्स दिए गए हैं, एक बता दें कौन से उनको राइट्स दिए गए हैं। जो भी है अगर हम लोग हमारे जैसे कि स्कूल्स में आप ले लें, क्रिश्चियंस एक है मुस्लिम और एक है क्रिश्चियन, दोनों में ये होता है कि दोनों को इक्वल लेकर चला जाता है, मतलब ये तो नहीं कोई डिफरेंस किया जाता है उनमें, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है। अगर बात करें तो मैंने तो क्रिश्चियंस के भी नॉन मुस्लिम्स के भी यहाँ पर रिव्यूज दिए, वो कहते हैं हम तो मेजोरिटी में जाने से भी डरते हैं। दुबई के अंदर जो मंदिर है उन्होंने ये स्पेशल इवेंट होस्ट किया, उनके बारे में क्या कहोगे, वो लोग कहते हैं मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, इस बारे में क्या कहेंगे आप। वो सही कहते हैं, ये तो सही बात है, सब एक ही हैं, चाहे किसी का कैसा मजहब भी हो एक ही है, वो भी इंसानियत तौर पे जो इंसान है ना वो समझते हैं। आप मुसलमानों को इंसान समझते हो? हाँ क्यों नहीं, समझते हैं हमारे भाई हैं। आप हिंदुओं को इंसान समझते हो? ये अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उसमें हिंदू अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जो हिंदुओं की जब बात आती है तो वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, स्पेशल नफरत हिंदुओं के लिए क्यों है? तो हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन स्पेशली हम हिंदुओं का क्यों कहते हैं कि वो ही बीच में से बुरे भी हो सकते हैं, क्या वजह? बस वो भी नहीं ना समझते, वो कहते हैं जो हम ही हैं, मतलब कि हमारा जो मजहब है जो वो ही सही है। कई मैंने सुना, कई मुंह पे सुना, क्या सुना? मुझे भी बताओ। कुवैत में थी ना? कुवैत में थी? हाँ मैं कुवैत में थी और 2 साल रही हूँ, तो यही बातें होती थी। क्या होती थी बताएं? मैं बैठती थी तो कहते थे हमारा मजहब बहुत अच्छा है ये, मैं कहती थी ठीक है आपका मजहब है अच्छा है ठीक है। हिंदू कहते थे? हाँ हिंदू कहते थे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। फिर मेरी फिर बहसबाजी होती थी उनके साथ, मैं ठीक है, और मेरे जो साथ वाली थी वो कहती थी दफा करो छोड़ो इस बात। किसी और मजहब के लोगों ने नहीं आपको कहा? नहीं 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 और नहीं, ये जो ज्यादा है ना ये बहुत बात करते थे। कौन बातें करते हैं? ये हिंदू जो हिंदू औरतें थी। अच्छा। मर्द थे, हम बैठते थे ना ग्राउंड में जब। हाँ। गार्डन में उस वक्त ये बातें होती थी। देखिए वो अपने दीन पे कितने पक्के हैं? पक्के हैं, पर दीन पे पक्के हैं ना तो वो देखो के मैं बुरा नहीं कहती, पर वो एक मूर्ति को मानते हैं। एक मूर्ति को मानते हैं तो क्या हुआ? पर मैं नहीं मानती उनका, हमारा मजहब हमारा है, उनका मजहब उनका है। मैं मुस्लिम हूँ, आप क्रिश्चियन हो, वो हिंदू हैं, मुझे मेरा मजहब, मुझे मेरे मजहब से बहुत मोहब्बत है, आपको भी आपके मजहब से मोहब्बत होगी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, हिंदुओं को भी उनके मजहब से मोहब्बत होगी, मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ, हर इंसान को अपना मजहब ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बैठ के मैं अगर आपके मजहब पे उंगली उठाऊंगी आप मुझे जरूर थप्पड़ लगाएंगी, अगर आप मेरे मजहब पर उंगली उठाएंगी तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, मैं भी आपको आगे से बोलूंगी। इसी तरह जब हम उनके मजहब पर देखें, उनका मजहब है तो वो फॉलो करेंगे ना, हम उनको गलत या वो तो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, वो तो बात सही है।